नमस्कार जी, मैं सोनू थापर, लाइव पंजाब न्यूज़ तो। जिस तरह के तरवाड़ा के एक दहशत का माहौल बनया हुआ है आवारा जानवरों लैके, आओ इन्होंने गलबात करते हैं प्रधान जी। हाँ सर, की नाम है जी तुहाडा? सुरेश कुमार जी। जी सर, सर जिहड़ा ये जानवर आवारा बहुत ज़्यादा बोलदे जानवर जिन्हें भी गाई गई तो उसके बारे की कहना चाहते हैं सर? देखो जी, ऐसा है कि हमारा तो बहुत मुश्किल हो गया घूमना, जो लोग सैर सपाटा करते हैं सवेरे और शाम, उसके लिए बहुत मुश्किल है। अभी परसों की गल है कि गेस्ट हाउस और स्कूल के बीच में हम खुद सैर कर रहे थे, दो कर्मचारी हमें ही पीछे पै गए, और वो तो शुक्र है कि नर्सरी ग्राउंड के अंदर काफ़ी बच्चे थे, उन्होंने आवाज़ा मारी ताओ थोड़ा बहुत पीछे हटे, नहीं तो हो सकता है हमारे साथ भी घटना घट सकती है। इसमें लगभग 6:30 बजे की बात है, तो अब मैं सुबह भी सैर करता हूँ, शाम में भी सैर, अभी भी सैर करने के लिए निकला था, और मुझे तो बड़ी हैरानी है कि सुबह 10 बजे हमारे डेली वाले एम्प्लाइज यहाँ सफाई कर रहे थे, ये बैल उनके पीछे भी पाया है। पता नहीं ये गल की जाए बैल जरा है कि जरा लोगों का की कारण है जरा मगर नठता पाया। देखो जी, इसमें कोई इसको कोई हल्की हल्का हुआ है, ये इसने कोई जहरीली चीज़ खाई है जिससे कि पीछे वो, इसके अलावा भी गाय हैं पीछे, मोटरसाइकिलों के पीछे पड़ती हैं, घोड़ी है एक पीछे, अभी परसों मंदिर के सामने ही एक सफेद घोड़ी पीछे पड़ गई थी, उस बंदे ने रेस दे के पैरा सुटाया, हालात मारे हैं। यहाँ पर घूमना भी, पैदल घूमना भी मुश्किल हो गया है, और ये जंगल बन गया कॉलोनी, मतलब बहुत बढ़िया साफ सुथरा एरिया था, लेकिन आज के दिन सैर करना भी लोगों के लिए, मैं तो कहता हूँ कि जो अगर किसी कोई बुजुर्ग होगा ना, शायद उसके साथ कोई घटना जरूर घटेगी। राम जी, मेरे ख्याल में पहले भी हादसे हो चुके हैं इतने BBMB कॉलोनी के जानवरों ने, कई काफ़ी बंदे घायल भी किए हैं और जाना भी गई हैं, उसके बारे की कहना चाहते? देखो जी, असी डिपार्टमेंट में लगभग 6 महीने पहले चीफ साहब ने ये बात कह चुके थे कि मध्य मार्ग के अंदर गुरुद्वारा चौक के ऊपर पहले भी 2 नौजवानों की डेथ हुई है, और हमारे एम्बुलेंस के बच्चे थे। हमने ये कहा कि जी इसका कोई समाधान किया जाए, 4 द्वारे के लिए कई बार डिमांड की है, लेकिन सबसे दुख की बात यह कि यहाँ सुनता ही कोई नहीं। सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है, जिस चाहे BBMB से बात करिए या सिविल प्रशासन से बात करिए, कोई नहीं सुनता। जिस समय घटना घट जाएगी, फिर हम सभी अपना सहानुभूति प्रकट करने के लिए आ जाएंगे, इस समय जिस समय मौका संभालना चाहिए था वो नहीं संभाल रहे। प्रधान जी, ये गल की जाए, ये जी कॉलोनी BBMB के भी अंडर आती है, नगर पंचायत के अंडर भी आती है, और फायर स्टेशन भी हैगी इतने, और जंगलात भी लागे छागे हैगा, तो उसके बारे की कहना चाहते हैं? ऐसा है जी, इसमें किसी के पास पहली बात तो मैन पावर ही खत्म है। सरकारों की जो नीतियां चल रही है, एम्प्लाइज जहाँ 40 होते थे वहाँ 8 एम्प्लाइज हैं, उनकी भी वो भी शिफ्टों में, तो कोई भी इस तरह की समस्या ले मोल लेना नहीं चाहता, और किसी भी डिपार्टमेंट चाहे BBMB हो, चाहे नगर पंचायत हो, चाहे फॉरेस्ट डिपार्टमेंट, सभी हाथ खड़े कर रहे हैं इसमें कि भाई हमारे पास कोई साधन नहीं। अगर कोई घटना घट गई तो इसमें मैं तो ये कहूँगा कि सारे प्रशासन ही जिम्मेवार हैं, और हमें खतरा है कि ये बच्चा वारदात करेगा। प्रधान जी, गल की जाए, पिछे स्कूल बंद से हूँ स्कूल लगे पे है, बच्चे जाते हैं और सारे ड्यूटी वाले जाते हैं, ठीक है, तो उसके बारे की कहना चाहते? देखो जी, ये बहुत दुखद घटना होगी, क्योंकि बच्चे हैं, बच्चे साइकिलों पर आते हैं और माँ पे कोई किसी का साथ में नहीं आता, वो उसमें और बड़ी घटना घट सकती है, एक दो बच्चे का नुकसान नहीं होगा, क्योंकि स्कूल का टाइम फिक्स है और उसमें बच्चे ने सभी नहाना है, तो उसमें बड़ा हादसा होने का खतरा है। यहाँ पर प्रधान जी, सब तो जी नलाकी जी BBMB दी मानते हैं आप, तो बलो BBMB की कॉलोनी है तो BBMB जिम्मेवार है। जी जी जी, नगर पंचायत है वो भी इसमें पैसे लेते हैं, हम लाखों रुपया इसकी पेमेंट करते हैं, कोई भी जिम्मेवारी लेने के लिए मैं ये कह सकता हूँ कि इसमें मुझे नहीं लगता कि कोई भी डिपार्टमेंट इस बात की जिम्मेवारी ले ले कि भाई हम इसकी गिरफ्तार करेंगे, या ऐसा कोई जानवर है, गाय है या घोड़ा है या बंदर है, बंदरों के बंदर ही अच्छा करेंगे स्कूल के अंदर। मैं ये बात पहले ही आगाह कर देता हूँ आपको कि स्कूल के अंदर नर्सरी, ये जो पहले नर्सरी होती थी, ग्राउंड के पास इतने बंदर हैं कि स्कूल में आते हुए बच्चों पे बंदर ही अच्छा करेंगे, गाय तो छोड़ो। प्रधान जी, जो गल की जाए तो इतने BBMB की रात को बसा चल दिया है। हाँ जी, ठीक है, वो सड़क के बच्चे देखने आया है भी, सड़क के बच्चे कई मेरे ख्याल 10-10, 15-15 जानवर बैठे होंगे है, और जगह नहीं देंगे ना बस लंघन में ना कुछ, उस BBMB का भी नुकसान हो रहा है, टाइम की एक खराबी हो रही है, और दूसरे नंबर ए अभी, हाँ अभी आपने पिछले हफ्ते ही देखा होना कि हाईवे के ऊपर 2 जानवर बड़े हैवी थे, और दोनों एक इस साइड मारा गया और एक ऑफिस का अपने जो है हमारे ऑफिस वहां भी मारा गया, और हमारी बसें जानती है उनके कोई रास्ता नहीं मिलता, और एक काली गाय है जो ये दिखाई भी नहीं देती। हाँ, घटना घटेगी, और अगर कोई प्रशासन इस बात पर गौर नहीं करेगा तो जरूर घटना का हमें पूरा अंदेशा है। इससे बचाव के लिए हम विनती करते हैं, चाहे BBMB हो, चाहे नगर पंचायत हो, चाहे फॉरेस्ट डिपार्टमेंट हो, कि कृपा के लोगों की समस्या को देखते हुए इस पर गौर की जाए।
ਸੋ ਇਹ ਤਾਂ ਸੀਗੇ ਬੀਬੀਐਮਬੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ ਤੇ ਆਓ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਸਫਾਈ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਨਗਰ ਪੰਚਾਇਤ ਐਮਸੀ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਹਾਂਜੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਐਮਸੀ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜਾਨੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਰਹੇ ਆ ਜਾਂ ਕੁਝ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹ ਰਹੀ ਹਾਂ ਜੀ ਅੱਜ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਦੇਖਿਆ ਘੁਬਾਲ ਦਾ ਹਲਕਾ ਆਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਉਹ ਸਾਡੀ ਸਾਨੂੰ ਇਲਾਕਾ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇਨਫੋਰਮ ਕੀਤਾ ਔਰ ਸਾਡੇ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਬੰਦੇ ਸੀਗੇ ਪੰਜ ਸੱਤ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਬਲਦ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕੀਤਾ ਤੇ ਲੱਤ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲੱਤਾਂ ਲੁੱਤਾਂ ਬੰਨ ਦਿੱਤੀਆਂ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਡਾਕਟਰ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਸਲਟ ਕਰਕੇ ਬੋਲਿਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ ਥੋੜ੍ਹਾ ਲਗਾਓ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਚੱਕ ਕੇ ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਸੁੰਨੀ ਥਾਂ 'ਤੇ ਛੱਡਿਆਈਏ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਲੋਕ ਨਾ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋਣ ਤਾਂ ਫਿਰ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਇੰਨੀ ਇਨਗੈਰੀ ਰਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਉਦੋਂ ਕੋਈ ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ ਵਗੈਰਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਗਾਇਆ ਨਹੀਂ ਉਹ ਫਿਰ ਬਾਅਦ ਨੇ ਰੱਸਾ ਤੁੜਾਇਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਜਾ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਨਰਸਿੰਗ ਗਰਾਊਂਡ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪਿੱਪਲ ਆ ਉੱਥੇ ਦੁਪਹਿਰੇ ਖੜਾ ਹੋ ਗਿਆ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਸਾਡੇ ਸਫਾਈ ਸੇਵਕ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਉਹ ਪਿਆ ਤਾਂ ਮੁੜ ਕੇ ਇੱਕ ਰੇਹੜੀ ਵਾਲਾ ਸੀ ਰੇਹੜੀ ਵਾਲੇ ਦੀ ਰੇਹੜੀ ਪਲਟਾ ਦਿੱਤੀ ਹੁਣ ਸ਼ਾਮ ਦੇ 7:30 ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੈ ਉਹ ਬਲਦ ਹੁਣ ਮਤਲਬ ਨਿਡਾਲ ਹੋ ਕੇ ਡਿੱਗ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਐਮਸੀ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਇਕੱਲੇ ਇੱਕ ਬਲਦ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਇੱਥੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਆ ਲੋਕ ਪਿੰਡਾਂ ਵਾਲੇ ਵੀ ਇੱਥੇ ਛੱਡ ਜਾਂਦੇ ਆ ਸਾਰੇ ਛੱਡ ਜਾਂਦੇ ਆ ਇੱਥੇ ਕਲੋਨੀ ਖਾਲੀ ਕਰਨ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਪਨਾਹ ਲੈਂਦੇ ਆ ਜਾਂ ਕੁਝ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਜੀ ਅਸੀਂ ਗਊਸ਼ਾਲਾ ਵਾਲਿਆਂ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਵੀ ਜੋ ਤੁਹਾਡੀ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਜਾਂ ਸਾਲ ਦੀ ਹੈਗੀ ਆ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੇਮੈਂਟ ਕਰਾਂਗੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਲੋਨੀ ਦੀਆਂ ਗਊਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰੱਖ ਲਓ ਇਸ ਬਾਰੇ ਵੀ ਸਾਡੀ ਗੱਲਬਾਤ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਬਾਕੀ ਪਿੰਡਾਂ ਵਾਲੇ ਵੀ ਆ ਕੇ ਛੱਡ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਇੱਥੇ ਗਾਈਆਂ ਜਦ ਤੱਕ ਗਾਈਆਂ ਦੁੱਧ ਦਿੰਦੀਆਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਕਲੋਨੀ 'ਚ ਆ ਕੇ ਛੱਡ ਜਾਂਦੇ ਕਲੋਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਟੁੱਟੀ ਫੁੱਟੀ ਕਲੋਨੀ ਆ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੀਰਾਨ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗਊਆਂ ਜਾਨਵਰ ਬਥੇਰੇ ਲੁਕੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਤੇ ਆਉਣ ਜਾਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਾਨੀ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰਦੇ ਆ ਕਈ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਆਪਣੇ MLA ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰਾਂਗੇ ਵੀ ਉਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਜਿੱਦਾਂ ਵੀ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਹੀ ਹੱਲ ਹੈ ਆਵਾਰਾ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦਾ ਚਾਹੇ ਕੁੱਤੇ ਨੇ ਚਾਹੇ ਗਾਈਆਂ ਨੇ ਚਾਹੇ ਬੰਦਾ ਨੇ ਜਿੱਦਾਂ ਵੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਹੀ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਸੋ ਇਹ ਸਭ ਸੀਗੇ MC ਸਾਹਿਬ ਠੀਕ ਹੈ ਤੇ ਆਓ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਆਮ ਪਬਲਿਕ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸੋ ਇਹ ਤਾਂ ਸੀਗੇ MC ਸਾਹਿਬ ਔਰ BBMB ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ ਤੇ ਆਓ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਆਮ ਪਬਲਿਕ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਹਾਂਜੀ ਅੰਕਲ ਜੀ ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਜੀ ਅੱਛਾ ਜੀ ਅੰਕਲ ਜੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸੀਗਾ ਜਾਨਵਰ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਾਸੀ ਹੈ ਨਾ ਜੀ ਇਹ ਤਾਂ ਦੋ ਕਰਾਂ ਦਾ ਭਰਾਉਣਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਜਿਹਦਾ ਭੁੱਖਾ ਦਿੰਦਾ ਉਹ ਹਾਦਸਾ ਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਇਹਨੇ ਇੱਧਰ ਜੰਗਲ ਜਿੰਨੇ ਕੁਆਟਰ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੰਗਲ ਵਸਾ ਦਿੱਤਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਆਦਮੀ ਬੱਚਾ ਬੁੱਢਾ ਕੋਈ ਲੰਘ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਕੋਈ ਸੈਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਆਪਣੇ ਕਿ ਇੱਦਾਂ ਹਰ ਵਾਰ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹੀ ਸੋਚ ਕੇ ਦੇਖਦਾ ਵੀ ਜਾਨਵਰ ਕਿੱਦਾਂ ਵਧਣਾ ਕਿੱਦਾਂ ਜਾਣਾ ਇਹੀ ਹਰ ਆਪਣੇ ਨਿਆਣਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਆ ਲੋਕ ਲੇਕਿਨ ਫਿਰ ਵੀ ਰੋਜ਼ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋਈ ਜਾਂਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਕੋਈ ਇਹਦੇ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦੇਦਾ ਪਬਲਿਕ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੈ ਦੋ ਘਰ ਦਾ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਭੁੱਖੇ ਦਾ ਭੁੱਖਾ ਹੀ ਲਾ ਕੇ ਸ਼ਾਸਕੀ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਜੀ ਸ਼ਾਸਨ ਜੇ ਹੈ ਜਾਂ ਪ੍ਰਬੰਧ ਇੰਤਜ਼ਾਮੀ ਹੈ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋਇਆ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਉਸਦੇ ਬਾਅਦ ਇਹੀ ਕਹਿਣਾ ਜੇ ਸ਼ਾਸਨ ਸਜਗ ਹੋਵੇ ਜਨਤਾ ਦੀ ਸੇਵਾ ਲਈ ਜਿਹੜੇ ਅੱਗੇ ਆਵੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਮਿਊਨਸਪੈਲਟੀ ਹੈ ਜਾਂ BBMB ਹੈ ਜਾਂ ਫੋਰੈਸਟ ਹੈ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕੋਈ ਵੀ ਅਦਰ ਮਹਿਕਮਾ ਹੈ ਜਿਹਦੀ ਵੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਉਹਦੇ ਆਪਣਾ ਧਿਆਨ ਦੇਵੇ